हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवनवाग एकेडमी। बच्चों, पवनवाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट हुए बहुत दिन हो चुके हैं और आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी। बहुत दिनों से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ाओ, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ाओ। तो बच्चों, आज मैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ फाइनली। लेकिन बच्चों, बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स में पढ़ रही हूँ और उसमें मुझे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। तो ये उनके लिए मैं आज थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगी, उसके बाद हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली एग्जाम्स नज़दीक आई है, थोड़े मोटिवेशन की आपको ज़रूरत भी है, तो मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। तो देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कर्मा सेज Doing something wrong is very easy. Doing something wrong is very easy. What's hard is paying the cost for it. And it all returns to you at one day with interest. मतलब कर्मा क्या कहता है कि अगर हमें कोई बुरा काम करना है तो वो बहुत आसान है। जैसे कि हमें मार्क्स नहीं लाने हैं तो सोते रहो, बहुत आसान है सोना, है ना। लेकिन अगर हमें मार्क्स लाने हैं, हमें बहुत कुछ बड़ा करना है, वो अच्छा काम है जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम है, उसके लिए हमें प्राइस मतलब पैसे पे करने पड़ते हैं। पैसे पे करने मतलब इसके लिए आपको एक्चुअल पैसे पे नहीं करने बच्चों, आपके लिए ये पैसा कौन है, आपकी नींद, आपकी एंजॉयमेंट। जब आप अपनी नींद दाव पे लगाओगे, जब आपकी एंजॉयमेंट आप दाव पे लगाओगे, तो उससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और उस दिन एट वन डे वो आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, है ना, दुगनी खुशी से मिलेगा। तो इसके लिए हमें प्राइस पे करनी पड़ती है बच्चों, हमें अपनी नींद, हमें अपनी एंजॉयमेंट सारा दाव पे लगाना है एंड काम पे लगना है। समझ में आया? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है ना आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका मतलब आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है। आपको क्या करना है, देखो जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड, मैम ने बोला नींद दाव पे लगा दो मतलब पूरी के पूरी नींद दाव पे लगानी है, ऐसा नहीं है। उस वक्त हमें अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचना है। इसके लिए आपको है क्या करना कि प्रॉपर टाइम टेबल मैनेज करना है और बॉडी को जितनी नींद रिक्वायर्ड है बच्चों, उतनी नींद आपको, सफिशियंट नींद आपको लेनी ही है। और आपका डाइट प्रॉपर रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखो नींद नहीं आती है और उसकी वजह से स्ट्रेस फील होता है। स्ट्रेस हमें नींद पूरी ना होने की वजह से, हमारा डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से ही हमें स्ट्रेस आता है। तो आप क्या करो, इसके लिए नींद अच्छी लेनी है, उसके बाद अगर फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है ना, तो डार्क चॉकलेट्स खाया करो। मैंने एक बार यूट्यूब पे पढ़ा था, मैंने यूट्यूब पे सुना था कि डार्क चॉकलेट्स खाने से स्ट्रेस लेवल कम होती है, या फिर कोकोनट खाने से भी स्ट्रेस लेवल कम होती है। नारियल पानी पीते जाओ, और बहुत ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना हमें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना ही आपको खाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो नींद भी ज़्यादा आती है। पेट को थोड़ा खाली रखा करो, खाली रखोगे तो उससे आपको नींद नहीं आएगी, कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खाली पेट पढ़ाई भी नहीं करनी है, तो है ना। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम अगर मैंने पढ़ाई अभी स्टार्ट की तो क्या मैं स्कोर कर पाऊँगी, तो मैं बोलती हूँ 100% आप स्कोर कर पाओगे अगर आपने आज भी पढ़ाई स्टार्ट की तो। बस आपको जो मैं अभी रूल्स बताने वाली हूँ ना, वो आप लोग फॉलो करो, जो मैं बताऊंगी ना उसको चाहे तो आप एक नोटबुक पे नोट डाउन कर लो और ये रूल्स फॉलो करो। देखो मैं क्या बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप आज से पढ़ाई को लग रहे हो ना, तो सबसे पहला काम आज आपको करना है कि आपका टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल आप कैसे बनाओगे बच्चों? सबसे पहले आप क्या करो, कितने दिन बचे हैं, मान लो आपके पास 2 महीने बचे हैं, है ना, 2 महीने मतलब 60 डेज बचे हैं, मान लो आपके पास 64 डेज बचे हैं, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। और 64 डेज में आपको 16 चैप्टर्स करने हैं, तो एक चैप्टर के लिए कितने दिन आते हैं, 4 दिन आते हैं। तो ऐसे टाइम टेबल बना लो खुद का। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, टाइम टेबल बनाना। उसके बाद वो होने के बाद आप क्या करो,
आपका हर दिन का टारगेट सेट करो, हर दिन का टारगेट सेट करना है। 64 डेज है तो 64 डेज का टारगेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और हर दिन जब आप आपका टारगेट कंप्लीट करोगे तो दूसरे दिन जब आप नया टारगेट कंप्लीट करने जाओगे तो पहले दिन का टारगेट आपको रिवाइज करना है। समझ में आया? सबसे पहला काम आपको करना है टाइम टेबल सेट करना, कितने दिन बचे हैं, कितने सब्जेक्ट्स के कितने चैप्टर्स बाकी है उसको डिवाइड करके हर एक चैप्टर के लिए कितने दिन आते हैं उस दिन के हिसाब से आपका टारगेट सेट करना दूसरा काम आपको करना है। तीसरा काम आप करोगे कि जिस दिन आप अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हो तो रिवीजन करना है, ठीक है। पहले दिन जो पढ़ा उसका रिवीजन करना है, नहीं तो हम लास्ट डे तक पूरा भूल जाएंगे। आया समझ में? तो ये तीन काम आपको करने हैं। अगर आपने ऐसे पढ़ाई की तो 100% आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद देखो कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब हम पढ़ाई को बैठते हैं तो प्रॉपर तरीके से रिवीजन करनी है, ये तो करना ही है आपको, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो हम नज़रअंदाज करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, जब हम पढ़ाई को बैठते हैं तो क्या हमारी बैठने की जो पोजीशन है वो प्रॉपर है क्या? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मैं बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो हमेशा बैठते वक्त ऐसी जगह बैठो जहाँ आपको कंफर्ट फील हो, कंफर्टेबल फील हो, ऐसी जगह आपको बैठना है। दूसरी बात, हमेशा सोके, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सोते हुए पढ़ाई करते हैं, नेवर, ऐसा कभी मत करो बच्चों आप। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ऐसे बैठ के पढ़ाई करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है ऐसे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप बैठोगे बच्चों स्ट्रेट बैठना है, क्योंकि जब हम स्ट्रेट बैठते हैं तो हमारा ब्रेन एंड हमारी बैक, बैक को आपको स्ट्रेट रखना है। तो जब हम बैक स्ट्रेट रखते हैं तो हमारे हमारे ब्रेन को अच्छे से ब्लड सप्लाई होगा और ब्रेन जो है वो एक्टिव रहेगा, हमेशा हमेशा एक्टिव रहेगा। पहले के साधु महाराज देखो ऐसे ऐसे बैठते थे तपश्चर्या करने के लिए, आपको पता है ना, और सालों साल तपश्चर्या करते, तो झूठ नहीं है बच्चों, सच में ऐसे अगर हम बैठे ना तो ब्रेन एक्टिव रहेगा, नींद नहीं आएगी। स्ट्रेट बैठने से बैक और ब्रेन ब्रेन एक्टिव रहेगा, उसकी वजह से हमें अच्छे से एनर्जी फील होगी, पॉजिटिवनेस फील होगा, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो ये पहली बात, हम किस पोजिशन में बैठे हैं वो आपको चेक करना है, ये फॉलो करना ही करना है। दूसरी बात, हमें बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह बैठ के पढ़ाई करनी है, बार बार उठना नहीं है। इसके लिए आप क्या करो, जो भी स्टडी मटेरियल है उसको साथ में लेके बैठो, अपना स्टडी मटेरियल साथ में होना चाहिए उस सब्जेक्ट का, चाहे आपकी क्लास की नोटबुक हो, चाहे आपके टेक्स्ट बुक हो, उससे रिलेटेड डाइजेस्ट हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ, कैलकुलेशन करने के लिए लॉग टेबल हो, सब कुछ स्टडी मटेरियल आपके साथ होना चाहिए, ओके। और तो और जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत किसकी होती है, पानी की, तो पानी की बॉटल साथ में लेके बैठो, पानी की बॉटल, ये सभी, ताकि आपको बार बार उठना नहीं पड़े एक जगह से, एक जगह आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हो, ठीक है। तीसरी बात, हमारे पास जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उन सबको इतना दूर रखना है कि ताकि हम उसको देख ना पाए उसके पास, और उसकी आवाज़ भी हमें सुनाई ना दे। मतलब फॉर एग्जाम्पल टीवी होगा तो टीवी से थोड़ा दूर बैठो, या फिर आपका मोबाइल, मोबाइल तो आपको लगने वाला है बच्चों अभी, अगर मान लो आप वीडियो लेक्चर से पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करो, पहले वीडियो को डाउनलोड कर लिया करो, ऑफलाइन देखो उसको, और नेट बंद कर मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे लगा के फिर उसकी पढ़ाई करो, और बेटर रहेगा अगर आप हेडफोन लगा के पढ़ो। और अगर मोबाइल से नहीं पढ़ रहे हो तो मोबाइल भी ऐसी जगह रखो ताकि कोई मैसेज भी आए तो आपको दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, ऐसे दूर रखना है जितनी देर आप पढ़ाई करने वाले हो, ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में आया सबको? तीसरी बात, जो टारगेट आज आपने सेट किया है उसको कंप्लीट करना ही है, और उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप वहां से उठोगे, और वो कंप्लीट करने के बाद खुद को शाबाशी देनी है, खुद को रिवॉर्ड करना है, इसको रिवॉर्ड करना बोलते हैं, खुद को अप्रिशिएट करना बोलते हैं। तो हमेशा लाइफ में जब भी आप कोई काम करो ना बच्चों, खुद को रिवॉर्ड करते चलो, मतलब खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को शाबाशी दो कि यस यू कैन डू इट। और अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो 100% आपका अच्छा रिजल्ट आना ही आना है,
बस आपको ये फॉलो करना है बच्चों, आपको जब रिजल्ट लगेगा ना तब मेरी याद आएगी कि मैम ने सही बोला था। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं बच्चों, हमारी लाइफ के हर एक मोमेंट के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। आया समझ में? तो जो मैंने आपको बताया है बच्चों, इसको फॉलो करना है, ओके। और एक बात, जब आप बहुत ज़्यादा खा के मत बैठो और बहुत खाली पेट भी मत रखो, ताकि ब्रेन आपका एक्टिव ना रहे। इतना बॉडी की जितनी ज़रूरत होती है उतना तो आपको खाना ही है, ताकि आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी। तो बच्चों बस मुझे लगता है आप लोग इन सब को फॉलो करोगे, और मुझे मैसेज करना है, मुझे कमेंट करनी है कि मैम हम सब फॉलो कर रहे हैं, हम सब करेंगे। और यहाँ इस दुनिया में, मतलब अगर आप लोगों को लगता है कि जो टैलेंट स्टूडेंट है ना उसके पास ब्रेन है, मतलब बहुत हाई पावर का ब्रेन है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। बस डिफरेंस होता है मेहनत का, वो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है और प्रॉपर तरीके से कर रहा है, इसलिए उसको मार्क्स आ रहे। हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, हमारा टाइम कहीं तो भी वेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से हमें कम मार्क्स आ रहे। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई गाना लर्न हो रहा है, मान लो कोई नया मूवी आया है उसका सॉन्ग आप तुरंत लर्न कर लेते हो, इसका मतलब आपके पास ब्रेन है और ब्रेन के अंदर पावर भी तो है। अगर गाना लर्न कर सकते हो तो कोई आंसर क्यों नहीं लर्न कर सकते? अगर हम बचपन से 1 to 100 लर्न करते आए, 1 to 1000 लर्न करते आए, इसका मतलब हमारे ब्रेन को भी लर्निंग की आदत है। बस हमने उसको एक्टिव मोड पे नहीं रखा, शट डाउन मोड पे रखा है, बस उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है। प्रॉपर तरीके से उसको एक्टिव कर दो, अभी टाइम आया है, आप लोग कर सकते हो। यस यू कैन डू इट, ओके। तो बच्चों स्टार्ट करें आज का लेक्चर। हेलो एवरीवन, हेलो मीनाक्षी, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवन बाग एकेडमी। फिर से बताती हूँ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज द सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, सच में बताती हूँ। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना हेडफोन लगा लो और ये चैप्टर सुनने के लिए, ये चैप्टर स्टडी करने के लिए स्टार्ट हो जाओ। तो बच्चों सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स मतलब क्या होता है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स मतलब एक या एक से ज़्यादा वेव्स का कॉम्बिनेशन होना, कंबाइन होना, उसी को हम लोग बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ओके। तो एक्चुअली इसको जो प्रीवियस सिलेबस था, मतलब जो ओल्ड सिलेबस था, इसको स्टैंडिंग वेव्स बोला गया था, इसको स्टैंडिंग वेव्स कहा जाता है। तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स मतलब क्या, सुपर इम्पोज, एक या एक से ज़्यादा वेव्स का सुपर इम्पोज होना। जैसे हमारे दिमाग में एक से ज़्यादा काम आ गए तो हम हैंग हो जाते हैं, वैसे यहाँ पे कुछ वेव्स जो है वो सुपर इम्पोज कर रही है लेकिन वो हैंग नहीं हो रही है। कैसे हैंग नहीं हो रही है वही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन ये चैप्टर देखने से पहले बच्चों आप ऑसिलेशन ज़रूर देखें, ऑसिलेशन का और इसका कॉम्बिनेशन है, ज़्यादा नहीं लेकिन जब रिक्वायर्ड होगा तब मैं बता ही दूंगी आपको कि ऑसिलेशन का कौन सा पार्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन बच्चों उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवनवाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। इसके अंदर सारी प्लेलिस्ट, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और तो और मैं नोट्स भी अपलोड करने वाली हूँ। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का सबसे पहला लेक्चर। आपके सामने क्या दिख रहा है बोलो? सब लोग पूछेंगे कि मैम सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स मतलब आप बता रहे हो कि इनको सुपर इम्पोज करना, लेकिन ये वेव्स को हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज कहाँ करते हैं? तो बच्चों आपको पता है म्यूज़िक हमारा सबसे फेवरेट एक पार्ट है, म्यूज़िक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। मतलब चाहे कोई सैडनेस, आपको बहुत आप सैड हो और वो सैडनेस को आपको दूर करना है तो भी हम लोग क्या करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, है ना। या फिर हमारी लाइफ की सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट चल रही है फिर भी हम लोग म्यूज़िक लगा के उसको इंजॉय करते हैं। मतलब हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है म्यूज़िक। और ये म्यूज़िक हमें कौन सी चीज़ों से मिलता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जिनसे हमें म्यूज़िक मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे, यहाँ पर देखो गिटार, गिटार का जो म्यूज़िक है वो एक स्ट्रिंग से बनता है, आपको याद होगा। अगर आप गिटार चलाते हो तो आपको पता होगा गिटार का जो म्यूज़िक है वो एक स्ट्रिंग से बनता है, एक स्ट्रिंग होती है उसके ऊपर जो दोनों साइड से उसको पैक किया होता है और वो स्ट्रिंग से बनता है म्यूज़िक।
सिमिलरली सितार, सितार का भी म्यूजिक एक स्ट्रिंग से ही बनता है बच्चों, और एक वुडन बॉक्स होता है उसके अंदर ताकि एयर वाइब्रेशन वहाँ पे प्रोड्यूस हो सके, ये सभी बातें। फ्लूट, फ्लूट का म्यूजिक एक एयर से बनता है ना, फ्लूट कैसे चलाते हैं आपको पता है, एयर के वाइब्रेशन की वजह से वो म्यूजिक बनता है। सिमिलरली शहनाई, शहनाई का भी म्यूजिक एक एयर के वाइब्रेशन से ही बनता है। देन यहाँ पे क्या होता है, सिंबल्स, सिंबल्स पता है आपको, वो दोनों को एक जगह एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होके एक म्यूजिक बनाते हैं। देन ये होता है हारमोनियम, हारमोनियम का भी हारमोनिक्स इसके अंदर सेट किए होते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज इसके अंदर सेट की होती है, उससे म्यूजिक बनता है। देन ड्रम्स होते हैं, तबला होता है। तो ये मतलब यहाँ पे अभी ये बहुत ही एक टेंशन वाला मेम्ब्रेन उसके ऊपर लगाए हैं और उसके ऊपर फिर हम लोग म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। जो लोग तबला बजाते हैं उनको पता ही होगा। तो ये सारी बातें किसकी वजह से हो रही बच्चों, दिस इज़ ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, क्योंकि इनके अंदर कुछ वेव्स प्रोड्यूस हो रही है और उन्हीं वेव्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो है एक इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली, बस जितना रिक्वायर्ड चैप्टर के लिए होगा उतना हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग एयर से, ड्यू टू एयर प्रोड्यूस होने वाले वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, वेव्स कैसी होती है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड सेकेंड हम लोग ये भी पढ़ेंगे इससे कि स्ट्रिंग पे वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, स्ट्रिंग की वेव्स कैसे होती है, वो वाइब्रेशंस कैसे होती है, वेव्स मिक्स होने के बाद क्या होता है, उनकी फ्रिक्वेंसीज, उनके हारमोनिक्स, उनके ओवरटोन्स, ये सारी बातें हम लोग इसके अंदर स्टडी करने वाले। तो एक म्यूजिकल लेक्चर होने वाला है, एक म्यूजिकल चैप्टर का स्टडी होने वाला है। तो सब लोग आज अभी तक हम लोगों ने बस म्यूजिक को इंजॉय किया है बच्चों, बट अभी हम लोग म्यूजिक एग्जैक्टली क्या होता है इसको पढ़ेंगे। तो चैप्टर बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करूंगी और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी, बस आप लोग क्या करो, कॉन्सेंट्रेट करके हेडफोन लगा के उसको लर्न करो। अंडरस्टैंड करने के बाद खुद राइटिंग करना है, जो मैं बोर्ड पे लिख के देती हूँ उसको खुद राइट करना है, लर्न करके लिखना है। एक बार पढ़ लो, अंडरस्टैंड कर लो, फिर नोटबुक बंद कर दो, अपने आप लिखो। एक बार से क्वेश्चन लर्न नहीं होता, दो बार राइट करो और हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लर्न करने के बाद खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को रिवार्ड दो कि यस आई कैन डू इट, मैंने किया है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। आया समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बट एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ आइदर इट इज़ ओके और नॉट। ओके बच्चों, देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ ओके। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो बच्चों सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी बहुत बेसिक से, इसका मतलब वेव मोशन क्या होता है। देखो वेव एग्जैक्टली होती क्या है। तो अगर आपको आपके सामने मैंने देखो एक पिक्चर यहाँ पे, इमेज यहाँ पे डिस्प्ले की है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता है, जब मान लो कोई लेक है, कोई तालाब है, और इनिशियली वो तालाब के सारे पार्टिकल्स रेस्ट पोजिशन पे है, मतलब समर सीजन है मान लो, और कोई भी हवा नहीं चल रही है, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं है, तो उस वक्त वो तालाब के सारे पार्टिकल एक ही पोजीशन पे होंगे, मतलब ना कहीं ऊपर है ना कहीं नीचे है, हर कोई एक पोजीशन पे, मतलब एक ही मोशन में, एक ही डिस्टेंस पे है। ओके, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेस्ट पोजिशन। मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगी बट अभी समझ लो। और मैंने क्या किया, यहाँ पे उसके सेंटर में एक बड़ा सा पत्थर लेके वहाँ पे डाल दिया, सेंटर में, उसके सेंटर में फेंक दिया मैंने। तो जैसे ही हमने उस सेंटर में पत्थर फेंका तो उस वक्त क्या होगा, देखो उस वक्त वहाँ से कुछ ऐसे सर्कल्स बाहर आते हुए आपको दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे है। तो अगर आप ये सर्कल्स देखोगे बच्चों, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जहाँ पे मैंने स्टोन डाला है वहाँ से कुछ पार्टिकल्स का एक सर्कल बना, जिस सर्कल का पोर्शन ऐसे ऊपर की डिरेक्शन में है और उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला सर्कल ऐसे डाउनवर्ड डिरेक्शन में है, उसके नेक्स्ट वाला सर्कल वापस ऊपर की डिरेक्शन में है, उसके नेक्स्ट वाला सर्कल वापस डाउनवर्ड डिरेक्शन में है, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे पार्टिकल्स यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं, और इसी को कहा जाता है बच्चों वेव। इसको क्या कहा जाता है, वेव मोशन। मतलब क्या, देखो वेव मोशन इज नथिंग बट द वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन
और वी कैन से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम, मतलब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये इनिशियली पार्टिकल सब रेस्ट पोजीशन पे थे, मतलब बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं था उनके अंदर, लेकिन जैसे ही हमने उनके अंदर पत्थर डाला, उसके अंदर स्टोन डाला, तो क्या होगा, पार्टिकल्स का वाटर मीडियम जो है उनमें हम लोगों ने क्या किया, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड किया, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम, और उसी को इन अ वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन मतलब क्या वो भी मैं आपको बताती हूँ, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेव मोशन, मतलब एक ऐसा मोशन जो कि किसी भी मीडियम में वाइब्रेशन डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने का काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेव मोशन। तो देखो यहाँ पे सब बेसिक बातें मैं आपको बताती हूँ। इनिशियली देखो क्या हुआ, मैं बताती हूँ आपको, मान लो यहाँ पे सभी पार्टिकल इस पोजिशन पे थे, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, तो यहाँ पे सभी पार्टिकल इस पोजीशन पे थे, तो इसको हमने क्या कहा, रेस्ट पोजीशन, जब मैंने इनिशियली पत्थर नहीं डाला था तो इसको हम कहते हैं रेस्ट पोजीशन लिखना है, इसको हमने कहा था रेस्ट पोजीशन। इसी का दूसरा नाम होता है मीन पोजीशन, इसको ही बोला जाता है मीन पोजीशन, इसको ही बोला जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों इसके अलग अलग नाम है, ये सभी नाम आपको पता होने चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, तो देखो हुआ क्या, एक्चुअली ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब है, मान लो इस तालाब के सेंटर में हमने एक पत्थर डाला, पत्थर डालने के इनिशियली जब ये पार्टिकल यहाँ पे थे बच्चों, उनके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी, वो एनर्जी लेस थे, उनके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। अब जैसे ही मैं पत्थर डालती हूँ तो उनको एनर्जी मिल गई, अब वो चुप बैठेंगे, बिल्कुल नहीं, हमारे अंदर एनर्जी मिलने के बाद हम चुप बैठते हैं क्या, नहीं, एक तो हम खेलने जाएंगे, एक तो हम कुछ भी करेंगे, लेकिन कोई डांस करेगा, कोई कुछ भी करेगा, कोई कुछ भी करेगा, जब एनर्जी मिलने के बाद कोई भी छोटा बच्चा हो वो काम करने लगता है, जैसे कि है ना, कोई भी काम करने लगता है, वैसे यहाँ पे मान लो हमने जैसे ही एनर्जी मतलब पत्थर डाला, पत्थर डालने के बाद यहाँ नजदीक के पार्टिकल्स को, जितने भी यहाँ नजदीक के पार्टिकल्स थे, इन सभी पार्टिकल्स को अभी एनर्जी मिल गई। वो एनर्जी मिलने के बाद वो पार्टिकल बेचारे ज्यादा सेल्फिश नहीं है, उन्होंने सोचा कि हमें एनर्जी मिली है तो हमारी एनर्जी हम बाजू के पार्टिकल को भी दे देते हैं, बाजू का पार्टिकल सोचेगा हमारी एनर्जी हम उसको भी दे देते हैं, उसके नजदीक का पार्टिकल उसको देगा, ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल। लेकिन साइंटिस्ट लोगों का एक ऑब्जर्वेशन था यहाँ पे, ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी पार्टिकल टू पार्टिकल, वो एक अलग वे में ट्रांसफर हो रही थी। वो अलग वे कौन सा था ये मैं आपको बताती हूँ, वो अलग वे डिफाइन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ की एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इस स्ट्रेट लाइन के पार्टिकल्स को हम स्टडी करेंगे और वही स्ट्रेट लाइन के पार्टिकल हर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ के पार्टिकल को जैसे ही एनर्जी मिली तो ये पार्टिकल ने क्या किया, जहाँ पे मैंने स्टोन डाला था ये पार्टिकल ने क्या किया, वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। तो इसने क्या किया, इस पार्टिकल को एनर्जी दे दी, ये पहले इतना ही वाइब्रेट हुआ, मान लो ये कुछ वाइब्रेट नहीं हुआ, इसने इसको एनर्जी दे दी, ये थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ और वो खुद की एनर्जी इसको देता है, तो ये क्या करता है, इससे और ज्यादा वाइब्रेट होता है, फिर वो खुद की एनर्जी इसको भी देता है, वो उससे भी ज्यादा वाइब्रेट होता है, वापिस इसको देता है, फिर उससे भी ज्यादा वाइब्रेट होता है, फिर अभी ये पार्टिकल थक गए, ठीक है, एनर्जी देते देते थक गए, अब इन्होंने एनर्जी डिक्रीज करना स्टार्ट किया, फिर इसका पार्टिकल क्या करेगा, उससे कम, जितनी इसकी है उतनी वो करेगा, ये उससे भी कम करेगा, ये उससे भी कम करेगा, और वापस कौन सी पोजीशन आ जाएगी, रेस्ट पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। बच्चों ये पार्टिकल का वाइब्रेशन एक साइड में ऐसे हुआ, अब दूसरी साइड में क्या हुआ कि ये पार्टिकल्स ने उनकी एनर्जी जब वो बाजू के पार्टिकल को देता है तो वो पार्टिकल अभी ऊपर वाइब्रेट नहीं होता है, वो पार्टिकल अभी नीचे वाइब्रेट होता है। कैसे, देखो यहाँ का पार्टिकल रेस्ट पार्टिकल इसको देगा एनर्जी, वो नीचे वाइब्रेट होगा, फिर वो और नीचे वाइब्रेट होगा, ये और नीचे वाइब्रेट होगा, ये इससे भी नीचे वाइब्रेट होगा, एंड देन वापिस वही सिचुएशन यहाँ पे भी रिपीट होगा जो यहाँ पे हुआ था। और अगर इन सभी पार्टिकल्स को मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं तो देखो बच्चों एक जादू हो गया, यहाँ पे हमें क्या मिल गई, एक वेव मिल गई, समझ में आया सबको।
तो यहाँ पे ये एक वेव मिलती है बच्चों, और अगर मैं यहाँ के सभी पार्टिकल्स का ये जो वाइब्रेशन है ये अगर मैं कंबाइन कर दूँ सभी लाइंस का, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा पोर्शन दिखाई देगा जो कि एक सर्कल है, एक सर्कल जैसा। मतलब ये जो सर्कल है ये मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगा। देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी दे दी, को यहाँ पे यहाँ का सर्कल ऐसे ऊपर दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन ऊपर दिख रहा है, तो ये वाला पोर्शन ऊपर है, इसका मतलब ये पार्टिकल सभी ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में वाइब्रेट हो गए, धीरे 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 वाइब्रेट होंगे, देन डाउन डायरेक्शन में आएंगे, देन डाउन डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे, अप डायरेक्शन में आएंगे, ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। ऐसे वाइब्रेशन होने की वजह से हमें एक ऐसा शेप दिखाई देगा जो कि एक ऐसा सर्कल दिखाई देगा और एक ऐसा सर्कल दिखाई देगा। समझ में आया बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेव मोशन। समझ में आया बच्चों। तो ये वेव मोशन के जो पार्ट से देखो, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रेस्ट, इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रफ, ये ऑलरेडी आप लोग स्टडी कर चुके होंगे, इसको क्या कहा जाता है ट्रफ, ये है क्रेस्ट, ये है ट्रफ, ये है मीन पोजिशन, ये अभी ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, सब ऐसे कंटिन्यू जा रहे हैं, मतलब सभी पार्टिकल ऐसे कंटिन्यू जा रहे हैं। कहाँ तक जाते हैं, और हमें पता है ना न्यूटन का लॉ क्या कहता है, एवरी पार्टिकल कंटिन्यूस टू इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड ऑन इट। तब तक वो चलते रहते हैं जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं हो जाता, तब तक वो एंड तक चलते रहते हैं, है ना। तो ये सभी पार्टिकल्स ऐसा मोशन करेंगे और सारे पार्टिकल्स यहाँ पे रेस्ट पोजीशन से कॉर्नर तक अपनी एनर्जी को ट्रांसफर। एक बात और बच्चों, ये जो पार्टिकल है ना ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, क्या ट्रांसफर करते हैं एनर्जी, दे आर ट्रांसफर देयर एनर्जी, ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये खुद को ट्रांसफर नहीं कर रहे। मतलब अरे मैं क्या स्पेलिंग लिख रही हूँ बच्चों, ट्रांसफर, ये क्या कर रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब यहाँ का पार्टिकल जो है इसकी एनर्जी दे रहा है, ये पार्टिकल उठ के यहाँ पे नहीं जा रहा, पार्टिकल मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मैटर इज नॉट ट्रांसफर हियर, मैटर इज नॉट ट्रांसफर, ये चाहे तो नोट कर लो आप लोग, मैटर इज नॉट ट्रांसफर, ये उनकी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे, उनका मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे, उनकी वेलोसिटी ट्रांसफर कर रहे, लेकिन यहाँ पे वो खुद ट्रांसफर नहीं हो रहे बच्चों। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्चुअली बाद में हम लोग देखने ही वाले हैं, बट ये नोट करके रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये है बच्चों रेस्ट पोजिशन, इसी को कहा जाता है, ये रेस्ट पोजिशन, मीन पोजिशन, इक्विलिब्रियम पोजिशन, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। और एक बात, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना इसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एम्पलीट्यूड इस साइड का रहेगा, ये साइड का एम्पलीट्यूड हम प्लस ए से लिखते हैं, प्लस कैपिटल ए लिखो या फिर स्मॉल ए, या फिर ये रहेगा माइनस ए, यहाँ से ये माइनस है, यहाँ से ये प्लस है, ये दोनों मीन पोजिशन के अक्रॉस क्या करते हैं वाइब्रेट होते हैं, मीन पोजिशन से अप डायरेक्शन, मीन पोजिशन से डाउन डायरेक्शन, मीन पोजिशन से अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसे वाइब्रेशन वो करते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद इनके एंगल्स भी होते हैं, आपको पता होगा ये होता है जीरो एंगल, यहाँ का एंगल कितना होता है पाई बाय टू, ये सभी बातें मैंने ऑसिलेशन में आपको पढ़ाई थी, यहाँ का होता है पाई, यहाँ का होता है थ्री पाई बाय टू, यहाँ का होता है टू पाई, ये कैसे, ये पूरा सर्कल बन गया। देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कुछ एंगल्स, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ जीरो, यहाँ पाई बाय टू, यहाँ पाई, यहाँ थ्री पाई बाय टू एंड देन टू पाई, तो ऐसा सर्कल बन गया। देखो बच्चों, तो ये क्रेस्ट ये ट्रफ मिलके बनता है एक सर्कल, और ये क्रेस्ट एंड एक ट्रफ मिलके बनती है वन वेव। वन वेव कैसे बनती है, वन वेव, और इसी को कहा जाता है वन वाइब्रेशन। पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे जीरो से मीन, सॉरी मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, वापिस निगेटिव एक्सट्रीम, मीन, ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे। ऐसा SHM हमने देखा था कहाँ पे, इसको कहा जाता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो मोशन, है ना। तो ये भी एक पीरियडिक मोशन ही है बच्चों, इसी को SHM भी बोला जाता है, जो कि हमने ऑसिलेशन में स्टडी किया था। तो इसको वन वेव कहा जाता है, इसको वन वाइब्रेशन भी कहा जाता है, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसको वन ऑसिलेशन भी कहा जाता है। ऐसे अलग अलग नाम है इसके, वन वाइब्रेशन, वन वेव, वन ऑसिलेशन, डिफरेंट नाम है इसके, ठीक है।
तो बच्चों ये है हमारा वेव मोशन, जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन करने हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितने मैंने बताए। अब देखो वेव मोशन की डेफिनेशन आपको बहुत बार पूछी जाती है, क्या है देखो वेव मोशन की डेफिनेशन। वेव मोशन इट इज अ पीरियोडिक है बच्चों, मतलब हर एक टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहा है ना, रिपीटेड। पीरियोडिक और ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम कॉल्ड एज वेव मोशन, प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम कॉल्ड एज वेव मोशन। ओके, पीरियडिकली ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम, जो ट्रैवल करता है, विच इज ट्रैवल, ये कहां से कहां ट्रैवल करता है, इट इज ट्रैवल from one place to another place with a finite speed। ओके, और एक बात जो मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट करने हैं जो कि मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट कि इसका एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा तो क्षमा करना बच्चों, फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल बट मैटर इज नॉट ट्रांसफर्ड हियर, मटेरियल और मैटर इज नॉट ट्रांसफर इन दैट मीडियम। समझ में आया बच्चों? एंड और क्या ट्रांसफर हो रहा है, सेकेंड पॉइंट, मोमेंटम इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड हियर। ओके, सो नोट डाउन दिस ऑल पॉइंट्स, ये सभी नोट डाउन करने हैं आपको, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताती हूँ। ओके बच्चों, अब देखते हैं इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, देखो क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, कॉमन प्रॉपर्टीज इसकी, मतलब पीरियड यानी क्या होता है। देखो पहले हम लोग वेव ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, एक वेव हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक नहीं दो वेव बताती हूँ, क्योंकि मुझे आगे इसकी कुछ डेफिनेशन से वो भी एक्सप्लेन करनी है, इसलिए देखो ये दो वेव्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये क्रेस्ट ट्रफ। ओके, अब देखो यहाँ पे पीरियड यानी क्या होता है, टाइम पीरियड यानी क्या होता है, देखो पीरियड को ही हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन कॉल्ड एज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन कॉल्ड एज टाइम पीरियड। मतलब यहां से स्टार्ट होने के बाद ये एक ऑसिलेशन जब तक कंप्लीट करेगा,
इसी को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी. ओके, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों? इसका एसआई यूनिट होगा सेकेंड. अपनी नोटबुक में है ना ये डेफिनेशंस एज इट इज कॉपी करनी है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है. उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पासिंग इन वन सेकेंड. मतलब देखो, यहां पे मैंने मान लो एक सेकेंड का टाइम लगाया, यहां से वेव स्टार्ट किए, यहां तक क्या है वन सेकेंड. ओके, मान लो यहाँ पे एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास करी? दो वेव्स, वन टू. तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा टू हर्ट्स. एक सेकेंड में दो वेव्स, तो फ्रीक्वेंसी होगी टू हर्ट्स. मान लो यहाँ पे मैंने वही एक सेकेंड ही टाइम लगाया, अब मैंने कितनी वेव्स पास करी? वन टू एंड थ्री वेव्स पास करी, ये वन टू थ्री. तो ये एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास हुई? थ्री वेव्स. तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? थ्री हर्ट्स. इसका मतलब क्या बच्चों? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पासिंग इन वन सेकेंड कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. तो इसके डेफिनेशन नोट डाउन करनी है सभी लोगों ने. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पासिंग इन वन सेकेंड कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. एंड इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा बच्चों? इसका ऐसा यूनिट आएगा, एक काम करते हैं, इनके डेफिनेशन में नीचे लिखती हूँ. ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, या फिर वन डिवाइड बाय सेकेंड भी आएगा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हर्ट्ज, साइंटिस्ट का नाम है. बच्चों इसका फॉर्मूला देखो, फ्रीक्वेंसी अभी एन से भी डिनोट की जाती है, बहुत सारी जगह पे आपको एन भी दिखेगा, या फिर आप लोग इसको न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं. तो दैट इज इक्वल टू होता है वन अपॉन टाइम पीरियड, मतलब वन अपॉन टी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पासिंग इन वन सेकेंड. तो ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है. अभी देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, वेलोसिटी. वेलोसिटी का तो फॉर्मूला यहाँ पे वही रहेगा जो हमारा मैकेनिक्स में है, मैकेनिकल मोशन में है, वही फॉर्मूला रहेगा. ये होगी पहली डेफिनेशन, ये होगी दूसरी. अब तीसरी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं किसकी? वेलोसिटी की. वेलोसिटी मतलब क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी, यहाँ पे वेव जो है, दैट वेव डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन वन सेकेंड, मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. आपको पता होगा, शॉर्ट में बताती हूँ मैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन वन सेकेंड और वी कैन से पर यूनिट टाइम और पर यूनिट टाइम. इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी को ही हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है. इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला. उसके बाद देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी और एम्पलीट्यूड. ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको, एम्पलीट्यूड यानी क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम वाइब्रेशन या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना. देखो यहाँ पे ये होती है मीन पोजिशन. मैक्सिमम वाइब्रेशन मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, या फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम. बाकी सभी देखो इससे कम ही है, ये सारे बाकी के इससे कम वाइब्रेशन दे रहे हैं, बस ये यहाँ का वाइब्रेशन ज़्यादा दे रहा है ना. तो जो मैक्सिमम वाइब्रेशन रहेगा इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड. कहाँ से बच्चों? फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन. इसको मीन पोजिशन कहा जाता है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
displacement of a particle maximum displacement of a particle from its mean position called as amplitude, from its mean position called as amplitude. इसको हम capital A से या फिर small a से denote करते हैं. ये चाहे plus भी हो सकता है बच्चों, ये चाहे minus भी हो सकता है, ठीक है, plus minus a हो सकता है. तो ये हो गया velocity, ये सब हो चुके. अब देखते हैं wavelength क्या है. वेवलेंथ और वेलोसिटी का भी रिलेशन मैं आपको बताऊंगी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का भी रिलेशन बताऊंगी, इन तीनों का मिला के रिलेशन क्या आएगा वो भी बताऊंगी, क्योंकि हम लोग उसको बहुत जगह पे यूटिलाइज करने वाले हैं. तो नेक्स्ट देखते हैं वेवलेंथ, पांचवा पॉइंट वेवलेंथ. वेवलेंथ को बच्चों डिनोट किया जाता है, मुझे लगता है ये स्लाइड है ना, वर्ड्स खाने वाली स्लाइड है, ऐसे बीच बीच में स्लाइड्स आती है जो वर्ड्स खाती है, मैं दूसरी स्लाइड लेती हूँ. पांचवा पॉइंट वेवलेंथ, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्ब्डा से, है ना, इसको कहा जाता है ग्रीक लेटर कॉल्ड एज लैम्ब्डा. मतलब क्या, देखो बच्चों पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. इट इज the distance between two successive particles which are in the same state of vibration called as wavelength, same state of vibration called as wavelength which is denoted by lambda. तो समझ लो बच्चों पहले, एक मिनट समझ लो. देखो ये वेव है, ठीक है. अब देखो यहां पे ये पार्टिकल जो है इसका सेम स्टेट, नेक्स्ट वाला कौन सा है, ये नहीं आएगा बच्चों, ये वाला स्टेट यहां सेम नहीं है, इसका एंगल है जीरो, इसका एंगल है पाई. तो नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये देखो हमारा जो ये सर्कल होता है, इस सर्कल पे यहां जीरो होता है, पाई बाय टू आता है, देन पाई आता है, देन थ्री पाई बाय टू आता है, देन टू पाई आता है. मतलब जीरो एंड टू पाई दोनों सेम स्टेट पे आते हैं, पाई उनके अपोजिट स्टेट पे है. वैसे यहाँ जीरो है तो ये टू पाई, यहाँ सेम स्टेट इस पार्टिकल की कौन सी है, ये वाली. सिमिलरली अगर मैं यहाँ का पार्टिकल देखूँ तो यहाँ का सेम स्टेट का पार्टिकल कौन सा है, ये वाला, सेम वाइब्रेशन दे रहा है. अगर मैं यहाँ का पार्टिकल देखूँ तो यहाँ सेम स्टेट का वाइब्रेशन कौन दे रहा है, ये वाला पार्टिकल. अगर मैं यहाँ का पार्टिकल देखती हूँ तो यहाँ सेम वाइब्रेशन कौन दे रहा है, ये वाला पार्टिकल. तो बच्चों इन सभी पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो डिस्टेंस बिटवीन, तो ये भी क्या आएगा हमारा वेवलेंथ, जो कि हम लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं, ये यहाँ का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या आएगा, लैम्ब्डा, या फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या आएगा, लैम्ब्डा. ये सभी क्या है, लैम्ब्डा. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन कॉल्ड एज लैम्ब्डा. और इसको, ये डिस्टेंस है, मतलब हम इसको किससे मेजर करते हैं, मीटर से. लेकिन ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है बच्चों, इसलिए हम लोग इसको अलग यूनिट यूज करते हैं, दैट इज एमस्ट्रॉन्ग. मतलब देखो इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है मीटर और एमस्ट्रॉन्ग, जो कि ए के ऊपर हम ऐसे जीरो लगाते हैं एमस्ट्रॉन्ग. तो बच्चों वन एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू क्या होती है, वन एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर.
ये भी याद रखो, आगे जाके आपको लगेगी। 1 angstrom इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 10^-10 meter। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेवलेंथ का पार्ट। बच्चों अभी ये तीनों का मतलब किसका, वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का एंड वेवलेंथ का, इन तीनों का रिलेशन क्या है ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ। देखो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, इसकी सारी नोट्स बनानी है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या होता है। देखो बच्चों जैसे कि मैंने बताया वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब क्या डिस्टेंस, मतलब वेवलेंथ हम बोल रहे हैं ना उसको, यहाँ पे डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, डिस्टेंस ही क्या है, दैट इज नथिंग बट द वेवलेंथ। एंड फ्रीक्वेंसी का नया फॉर्मूला क्या मैंने बताया आपको, नया मतलब वही फॉर्मूला है, इसमें कोई नया नहीं है, 1/time। तो इसी को हम लोग बोलते हैं n=1/T। ठीक है, और वेवलेंथ क्या है हमारा, लैम्डा। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो, वेलोसिटी इज इक्वल टू आएगा डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ अपॉन टाइम। मैं क्या करती हूँ देखो, वेवलेंथ को मैं ऐसे लिखती हूँ एंड ये जो वन टाइम है ना, ये टाइम को मैं थोड़ा साइड में लिख लेती हूँ, मतलब 1/T करती हूँ, 1/time, चलेगा। तो इससे देखो क्या मिलेगा, वेलोसिटी के लिए वी यूज करो, वेवलेंथ मतलब क्या, लैम्ब्डा, एंड 1/time मतलब क्या है हमारी, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये हमें मिलता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी बनता है। इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी में लिखोगे तो कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मिलेगा मुझे, फ्रीक्वेंसी मतलब एन, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये लैम्ब्डा को उधर शिफ्ट कर दो, वी अपॉन लैम्ब्डा, मतलब एन इज इक्वल टू मिलता है वी अपॉन लैम्ब्डा। समझ में आया बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वी इज इक्वल टू एन इंटू लैम्ब्डा होता है एंड एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्ब्डा होता है। क्लियर, गॉट इट। देखो यहाँ पे अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो यहाँ पे वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी के साथ वेवलेंथ चेंज होगी तो दोनों का रेशियो चेंज होगा उस हिसाब से, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। व्हेन ये मैं वेव ऑप्टिक्स में आपको बताऊंगी, व्हेन लाइट रे और समथिंग ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उस वक्त उनकी वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और एक बात बच्चों देखो, यहाँ वेवलेंथ क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं मान लो 1 second में मैंने वेवलेंथ बढ़ा दी, मतलब ये वेवलेंथ बढ़ गई, ठीक है, इसको ये वेवलेंथ ज्यादा है। देखो अगर मैंने वेवलेंथ कम कर दी, मतलब ये डिस्टेंस मैंने कम कर दिया, तो मान लो इसमें 1 second में एक ही वेव पास हो रही है या फिर 2 वेव पास हो रही है, ये 1 second में 2 वेव पास हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 hertz। ये एक्चुअली इतना ज्यादा लेवल पे डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बट समझ लो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कितनी है, 2 hertz है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो 1, 2, 3, 4 hertz है। तो देखो मैंने क्या किया, वेवलेंथ बढ़ा दी, डिस्टेंस ज्यादा है, देखो वेवलेंथ इंक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ये एक्चुअली आपको इसके लिए काम आएगा, किसके लिए, ये क्या नहीं जा रहा, हाँ ये आपको एंट्रेंस के लिए काम आएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ, वेवलेंथ इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, बट वेवलेंथ यहाँ मैंने कम कर दी, देखो ये वेवलेंथ कम हो गई, ये इतनी है, ये इतनी है, ये ज्यादा है तो ये 2 hertz है, ये कम है तो ये 4 hertz है, इसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। सो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और यहाँ पे भी दिख रहा है एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मान लो वेलोसिटी मैंने कांस्टेंट रखी और वेवलेंथ चेंज करती गई, तो दोनों क्या आएंगे यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, ये सारे रिलेशन है ना आपके बुक में, वैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में ये नहीं दिया है, बट मैंने ये सब थोड़ा डिटेल में लिया। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप लोग है ना
एक सेकेंड, पहले आप लोग इसका, सॉरी इसका नहीं, इसका भी नहीं, इसका पहले, एक मिनट, ये तो हमने ब्लैंक ली थी, ये वाला सॉरी, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इसका हो गया, ये सभी डेफिनेशंस आप अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से कॉपी करोगे बच्चों, आपको लगने वाली है। उसके बाद ये तो हमारी वर्ड खाने वाली स्लाइड थी ना, ये इसका ले लो, वेवलेंथ का है ना, एंड देन उसके बाद इसका ले लो, ये किसका है बच्चों, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का, वो भी ले लो। ओके बच्चों, अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अभी देखो क्या है, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स मतलब जो वेव मोशन है ना, उसी को मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। जैसे कि मैकेनिकल वेव्स मतलब जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, जैसे कि वाटर वेव्स है उनको वाटर लगेगा, जैसे कि स्ट्रिंग की वेव्स है उनको स्ट्रिंग लगेगी। मतलब किसी भी वेव को जब मटेरियल लगता है तो हम उसको मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स मतलब क्या, अ डिस्टर्बेंस, एक मिनट, अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम, प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल मीडियम ड्यू टू दैट particle vibrates from its mean position called as mechanical waves। ओके, तो ये है मैकेनिकल वेव्स। उसी तरह आती है नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, मैंने क्या बताया, इट रिक्वायर्स, ये पहला चाहे तो डेफिनेशन, इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम। वो भी कैसे होना चाहिए बच्चों, इलास्टिक। इलास्टिक क्यों, क्योंकि उसमें ताकि हम लोग वेव प्रोड्यूस कर सके, ऐसा इलास्टिक मीडियम होना चाहिए वहां पे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब क्या, लाइट वेव्स, जो कि सन से अर्थ तक लाइट आती है, तो वो बीच में वैक्यूम भी है, तो वहां कोई मटेरियल नहीं है, तो मटेरियल मीडियम ना होते हुए भी वो वेव्स पास करती है। तो जो हमारे सन की वेव्स होती है वो कौन सी होती है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिसमें क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, एक मिनट, इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट निकालते चलो हर एक पॉइंट का, जब भी मैं बताती हूं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। उसके बाद देखो बच्चों कौन सी वेव्स आती हैं, दैट आर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स मतलब क्या, इन वेव्स में प्रेशर होता है। मतलब जब भी हम बात कर रहे तो ये भी एक वेव्स ही है जो कि यहां से पास हो रही है,
यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब जब मैं बात करूंगी तो ये पार्टिकल के प्रेशर आएगा, वो कंप्रेस करेंगे, फिर रेयर फैक्ट करेंगे, मतलब पार्टिकल नजदीक आएंगे फिर रेयर फैक्ट करेंगे, नजदीक आएंगे फिर रेयर फैक्ट करेंगे, नजदीक आएंगे, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, ऐसे पार्टिकल नजदीक आते हैं दूर जाते हैं, नजदीक आते हैं दूर जाते हैं, तो उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज साउंड वेव्स। ओके, मतलब देखो इनको इनको लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स बोला जाता है बच्चों। क्या इस ये जिस वेव में ट्रेवल करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं बताऊंगी आपको, इनको कहा जाता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। मतलब क्या, देखो द वेव्स विच प्रोड्यूसेस ड्यू टू प्रेशर ऑन अ पार्टिकल्स अरे यार क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स विच पासेस इन कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, इन कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन विच इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, तो इनको कहा जाता है साउंड वेव्स। ओके, तो ये है बच्चों साउंड वेव्स। आगे चलते हैं, उसके बाद देखो अभी ये आपका मेन टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ, दिस इज 6.2। अभी तक जो चल रहा था वो इंट्रोडक्शन का पार्ट था बच्चों, 6.1 जिसमें हमने अलग अलग टाइप की वेव्स देखी, उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज है वो देखी। अब चलते हैं प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या होता है। देखो प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या, कि वही ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस उसके अंदर प्रोड्यूस होता है विदाउट एनी डैम्पिंग। डैम्पिंग मतलब क्या, डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, देखो जब भी ऑसिलेशन में मैंने डैम्पिंग पढ़ाया है बच्चों, मतलब क्या, पहले उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा रहेगा, फिर अपोजिशन होने की वजह से ये एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होगा एंड देन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ऐसा डैम्पिंग नहीं होता, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होता, एनर्जी कम नहीं होती, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन विदाउट एनी डैम्पिंग वो वेव ट्रैवल करती है एक पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक। ऐसे वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। मतलब क्या, द वेव इन विच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम ट्रैवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही है वो कंटिन्यूअसली विदाउट एनी डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनादर पार्टिकल इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। मतलब यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ और मेरी आवाज बहुत बड़ा क्लासरूम है तो पहले स्टूडेंट को ज्यादा सुनाई देती है, लास्ट के स्टूडेंट्स को ज्यादा सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि मेरी वेव का एम्पलीट्यूड वहां पे जाते जाते कम हो गया, बहुत कम हो गया, मतलब डैम्पिंग हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन था तो डैम्पिंग हो गया, मतलब एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो गया। बट वाटर की वेव्स में ऐसे नहीं होता बच्चों, वो वेव्स ट्रैवल करती रहती है बहुत दूर तक जब तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता। विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन जब वो वेव ट्रैवल करेगी, विदाउट डैम्पिंग ट्रैवल करेगी, ऐसी वेव को हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। तो इसी को प्रोग्रेसिव वेव कहा जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, द साउंड वेव विच इज प्रेशर वेव कंसिस्टिंग कंप्रेशन और रेयर फैक्शन ट्रैवलिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जब वहाँ पे डैम्पिंग नहीं होगा ऐसी साउंड वेव्स की, डैम्पिंग क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एयर रेजिस्टेंस है उसकी वजह, मान लो एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो डैम्पिंग होगा ही नहीं, जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक वो वेव चलती रहेगी। ठीक है, तो ऐसी वेव को हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, इसमें से कौन सी भी चार कैरेक्टरिस्टिक्स तो भी आपने करके रखी ना, दैट इज मोर देन इनफ। आपको 2 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाए, लेकिन बहुत आसान है, आप सभी भी लर्न कर लोगे ना, तो बहुत सिंपल है। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, देन हमारा आज का लेक्चर खत्म होगा। तो देखो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स,
each particle in a medium executes same type of vibration, है ना? सब पार्टिकल ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, कोई पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट नहीं कर रहा है, सभी ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब एग्जीक्यूट सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन. पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से ऊपर, मीन पोजीशन से नीचे आ रहे हैं. पोजीशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक, मैंने क्या बोला, टू एंड फ्रो मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक बोलते हैं, जो हमने ऑसिलेशन में पूरा चैप्टर ऑसिलेशन का हमने वही पढ़ा है. उसके बाद ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. मतलब क्या, देखो सेम एम्पलीट्यूड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी मतलब सभी वेव्स का, इसका अगर मैं एम्पलीट्यूड ले लूँ तो ये इतना ही है, तो इससे नेक्स्ट वेव जो जनरेट होगी उसका भी एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा. तो इनका एम्पलीट्यूड जो है वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला. एक मिनट है बच्चों, इसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है. उसके बाद द फेज मतलब एंगल्स, जीरो, पाई बाई टू, टू पाई, मैंने बताया ना. तो फेज मतलब स्टेट ऑफ वाइब्रेशन चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. यहाँ का पार्टिकल जीरो का, यहाँ का पार्टिकल पाई बाई टू, यहाँ का पार्टिकल थ्री पाई, दिस इज थ्री पाई बाई टू टू. तो ये पार्टिकल टू पार्टिकल फेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ओके, देन नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट. ये पार्टिकल अभी रेस्ट पे है ना, तो थोड़ी देर में वो एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम बन जाएगा. मतलब एक पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, थोड़ी देर के बाद वो एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा, फिर जो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था वो रेस्ट पे आ जाएगा. ऐसे हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है मोमेंटरीली, रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट. कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, कोई भी पार्टिकल एक्सट्रीम पे नहीं है. ईच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट मोमेंटरीली व्हाइल एट द एक्सट्रीम पोजिशन. बच्चों इसको एक्सट्रीम बताना भूल गई, इसको एक्सट्रीम पोजिशन कहते हैं और इसको मीन पोजिशन कहते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली एक्सट्रीम पोजिशन. द पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन, पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजिशन. जब पार्टिकल यहां से पास करेगा तो उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी से जाएगा. वहां पे वेलोसिटी जीरो बनेगी, वापिस नीचे आएगा. इसका मतलब क्या, हर एक पार्टिकल मीन से मैक्सिमम से जाता है, ऑसिलेशन अगेन आ गया, मीन से वो मैक्सिमम पे जाता है, वापिस मीन पे आता है, मीन से वापिस मैक्सिमम पे जाता है. मैक्सिमम पे मतलब उसके पास वेलोसिटी ज्यादा है. बॉल को हम नीचे से फेंकेंगे तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा देंगे तो वहां तक उसकी वेलोसिटी कम होगी ना, नहीं तो ऊपर वो पहुंचेगा ही नहीं, है ना. तो मतलब मीन पोजिशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर अलोंग द वेव. यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पार्टिकल नहीं, मैंने बताया ऑलरेडी. There is no transfer of matter. The wave propagates through the medium with a certain velocity. This velocity depends upon the properties of medium. मतलब क्या कि अगर मैंने स्ट्रिंग ली है तो वो पार्टिकल का वेलोसिटी अलग रहेगा, वाटर का अलग रहेगा. वाटर का और स्ट्रिंग का सेम नहीं रहेगा, उस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज पे ये डिपेंड करता है. तो ये इसमें से मैंने टोटल 7 प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स बताई. उसके बाद और भी कुछ है, 10 है टोटल, उसमें से आपको जो इजी लगती है वो करो. प्रोग्रेसिव वेव आर टू टाइप्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स. देखो अभी मैं बताती हूँ आपको. ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या, देखो ये ट्रांसवर्स जो मैंने अभी बताई ना, ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं. मतलब मान लो मैंने एक स्ट्रिंग ली और उस स्ट्रिंग को मैंने वहां पे टाई किया और उसको मैंने ऐसे मूव किया. मूव करने के बाद क्या होगा, वो क्रेस्ट ट्रफ ऐसी वेव प्रोड्यूस करेगी ना. तो यहाँ पे पार्टिकल का वाइब्रेशन देखो ऐसा है और वेव कैसी जा रही है, ऐसी. ये दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर. मतलब जिन वेव्स में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है, उनको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स. ओके, द वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन of wave and produce crest and troughs in their medium of travel in longitudinal waves, the vibration of particle produced compression and rarefaction. तो जिसमें vibration perpendicular होते हैं, एक मिनट, यहां तक ही in their medium of travel, यहां तक. हाँ, ये आगे का पार्ट में बाद में बताती हूँ. इसी को हमने क्या कहा, इसको हमने कहा ट्रांसवर्स वेव्स. तो ये वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव. अब बात करते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स की. लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स मतलब क्या, देखो यहाँ पे मान लो वेव ऐसी ट्रैवल कर रही है,
लेकिन पार्टिकल भी ऐसे ही वाइब्रेट होंगे। कैसे? देखो यहाँ पे पार्टिकल कंप्रेस करेंगे, फिर रेयर फैट करेंगे, वापिस कंप्रेस करेंगे, वापिस रेयर फैट करेंगे, मतलब एम्पलीट्यूड सबका सेम रहेगा। लेकिन ना मैंने कम ज्यादा दिखा दिया, एम्पलीट्यूड सबका सेम रहेगा। कंप्रेस, ये कंप्रेशन, ये रेयर फैक्शन, दूर दूर हो गए, नजदीक आ गए, दूर दूर हो गए, नजदीक आ गए, दूर दूर हो गए। तो पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव भी ऐसे ही जा रहे हैं। पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव भी ऐसे ही जा रही। तो इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूसेस कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन अलोंग द डिरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। उसको हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल वेव। एंड बोथ द ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड, बट ओनली लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कैन प्रोपोगेट टू फ्लूइड्स। ओके, तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया है आज आपको। लेकिन जो बातें मैंने स्टार्टिंग में बताई वो जरूर याद करनी है, फॉलो करना है, और आज ही आप लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट किए, ऐसे मुझे इन्फॉर्म भी करना है। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई ज़रूर करें, अच्छे से पढ़ाई करें, सभी चैप्टर्स आने वाले हैं, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करते चले, क्योंकि हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है। मैं चाहती हूँ हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको फिजिक्स अच्छा लगे, है ना। तो मुझे लगता है बच्चों हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।